आज भारत का हर पहाड़ी पर्यटन केंद्र बेतरकीब, अनियोजित और अवैध शहरीकरण का भद्दा नमूना प्रस्तुत कर रहा है। इस कदर निर्माण हुआ है कि इन शहरों का प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो गया है। कल कल करती पहाड़ी नदियां और झरने, जिनके किनारे जो कभी सुंदर वृक्षों से आच्छादित हुआ करते थे, आज होटलों और इमारतों से भरे पड़े हैं, जिनकी नदियों के निर्मल जल में जी रही हैं। पूरे इलाके में स्वच्छ भारत अभियान का कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता। जगह जगह कूड़े के ढेर, पहाड़ों के ढलानों पर झरने नुमा एक बदनुमा दाग की तरह दिखाई देते हैं। ये सही है कि पूरे हिंदुस्तान में शहरीकरण पिछले 4 दशकों में काफ़ी तेज़ी से हुआ है और कमोबेश इसी तरीके से हुआ है, पर कम से कम पर्यटक स्थलों को तो एक दूरदृष्टि के साथ विकसित किया जा सकता था। हर शहर के लिए राज्य सरकारों ने विकास प्राधिकरण बनाए, जिनका काम शहरी विकास को नियोजित करना था। बजाय इसके यह भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। पैसे देकर कोई भी अवैध निर्माण स्वीकृत कराया जा सकता है, फिर चाहे वह प्राकृतिक पर्यटक स्थल हो, ऐतिहासिक या फिर धार्मिक, सबकी दुर्गति एक जैसी हो रही है। जिसका जहां मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है, वैसा निर्माण अंधाधुंध कर रहा है। उसमें न तो कलात्मकता है और न ही स्थानीय वास्तुकला की छाप। रेशम के कपड़ों पर टाट के पैबंद लगाए जा रहे हैं। नदियों और पहाड़ों के किनारे आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से कंक्रीट के बनाए गए बहुमंजिलीय भवन पर्यावरण के लिए तो खतरा है ही, नागरिकों के जीवन के लिए भी खतरा है। केदारनाथ की महाप्रलय हमारी आँखों से अभी ओझल नहीं हुई है। पहाड़ों के शहरों को देखकर यही आशंका प्रबल होती है कि कहीं किसी दिन केदारनाथ जैसी प्रलय का सामना न करना पड़े। पहाड़ों पर घर बनाने की पारंपरिक तकनीक सदियों पुरानी है। लकड़ी के लट्ठों के बीच पत्थर फंसाकर उसमें मिट्टी का प्लास्टर लगाकर जो घर बनाए जाते थे, वो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे, जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडे। इन मकानों की खास बात यह है कि सैकड़ों सालों में आए बार बार भूचालों में भी इनकी चूलें तक नहीं हिली, जबकि आधुनिक भवन भूकंप के हल्के से झटके से भर भराकर गिर सकते हैं और गिरते हैं। इसके अलावा पहाड़ों के लोग प्रायः मकानों को एक दूसरे से सटाकर नहीं बनाते थे। हर मकान के चारों तरफ खुला इलाका होता था, जिससे उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता था। पर आज जो निर्माण हो रहा है, वो एक दूसरे से सटाकर हो रहा है। इससे धरती पर दबाव तो बढ़ ही रहा है, पर नागरिकों को भी प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक आनंद से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि अब ये मकान दिल्ली के ओखला इलाके में बने ऐसे ही अवैध निर्माणों का प्रतिबिंब है। सवाल है कि मोटा वेतन लेने वाले सरकारी अधिकारी क्यों आंख बंद किए बैठे हैं? नेता भी कम दोषी नहीं जो अपने कार्यकर्ताओं को
खुश करने के लिए हर तरह का अवैध निर्माण प्रोत्साहित करते हैं। ये सही है कि पर्यटन बढ़ने से पहाड़ी लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर ऐसी आमदनी का क्या लाभ जो जीवन के नैसर्गिक सुख और सौंदर्य को छीन ले। इन पहाड़ों को देखकर मुझे वही शेर याद आया कि जिसे सदियों से संजो रखा था उसे अब भुलाने को दिल चाहता है। ये तर्क ठीक नहीं, आबादी या पर्यटन बढ़ने से यह नुकसान हुआ है। गत 37 वर्षों से कई बार यूरोप के पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिला है, पर इन 37 वर्षों में इस तरह की गिरावट का एक भी चिन्ह देखने को वहां नहीं मिला। स्विट्ज़रलैंड की सरकार हो या यूरोप के अन्य पर्यटन केंद्रों की सरकारें अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव को बिगड़ने नहीं देती। पर्यटन वहां भी खूब बढ़ रहा है, पर नियोजित तरीके से उसको संभाला जाता है और धरोहरों और प्रकृति से छेड़छाड़ की अनुमति किसी को नहीं है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यही बात प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 100 स्मार्ट सिटीज़ के संदर्भ में भी लागू होती है। ऊपरी टीम टाम के चक्कर में बुनियादी ढांचे को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई शहरों को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए भारत सरकार ने दिल खोलकर पैसा भेजा, परंतु शहरवासियों से पूछिए कि क्या सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी उनके शहर की बुनियादी समस्याएं हल हुई? यही प्रश्न मैंने ब्रिज के विकास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और भारत के प्रधानमंत्रियों के समक्ष पिछले 15 वर्षों में अलग अलग स्तर पर अलग अलग माध्यम से कई बार उठाया है कि ब्रज की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की अवहेलना करके उसे विकास के नाम पर विद्रूप किया जा रहा है। जो योजनाएं ये बना रहे हैं उससे ब्रज ब्रज नहीं रहेगा, पर किसी ने नहीं सुना और परिणाम सामने हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि भारत के तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों के विकास की अवधारणा को अनुभवी लोगों की एक राष्ट्रव्यापी समझ के अनुसार मूर्त रूप दिया जाता, फिर उससे हटने की आज़ादी किसी को न होती। पर सत्ता में बैठा क्या कोई हमारी बात सुनेगा, या फिर भारत की महान धरोहरों का डंका पीट पीट कर उन्हें गंदी बस्तियों और ताश के महलों में परिवर्तित करता रहेगा।